अगर आप वज़न कम करने के लिए घरेलू तरीके ढूंढ रही है तो सबसे पहले आपको अपने खाने में कम कैलोरी वाले फूड्स आइटम को शामिल करना होगा। साथ ही उन फूड्स आइटम का चुनाव करना होगा जिनमें फाइबर अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिससे आपका वज़न कम रहे और आपको भूख भी कम लगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं उन 5 फूड्स आइटम के बारे में जिन्हें खाकर आप अपना वज़न ज़्यादा तेज़ी से कम कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, गाजर। शरीर पर जमा फैट को कम करने के लिए गाजर का सेवन फायदेमंद माना जाता है। सुबह गाजर का जूस पीना सेहत के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि गाजर के मुकाबले गाजर में जूस में फाइबर की मात्रा अधिक पाई जाती है और ज़्यादा खाने की आदत को कम करता है। नंबर 2, नींबू। नींबू में विटामिन सी पाया जाता है। इसके साथ ही इसमें थियामाइन, रिबोफ्लाविन, नियासिन, विटामिन B6, फोलेट और विटामिन ई के तत्व पाए जाते हैं। NCBI की वेबसाइट पर प्रकाशित चूहों पर किए गए एक अध्ययन के अनुसार नींबू में मौजूद पॉलीफेनॉल्स बढ़ते मोटापे को कम करते हैं, जो कैलोरी को कम करने के लिए सबसे अच्छा साधन है। इसलिए रोज़ सुबह नींबू पानी का सेवन करें। नंबर 3, संतरा। संतरा विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है। अन्य फलों की तुलना में इसमें सबसे कम कैलोरी होती है। इसमें फाइबर और विटामिन सी भरपूर मात्रा में होने के कारण ये आपके वजन को कम करता है, इसलिए संतरे का सेवन करें। इसका सेवन आप जूस बनाकर भी पी सकती हैं। नंबर 4, पत्ता गोभी। पत्ता गोभी अपने डाइट में शामिल करें, क्योंकि पत्ता गोभी में टार्टारिक एसिड होता है, जो चीनी और कार्बोहाइड्रेट को वसा के परिवर्तन होने से रोकता है और वज़न कम करने में मदद करता है। वही पत्ता गोभी में फाइबर मौजूद होता है, जो आपकी भूख को नियंत्रित करता है, जिसके कारण आपको जल्दी भूख नहीं लगती है। नंबर 5, खीरा। खीरे में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन के पाए जाते हैं। शोध में भी पाए गए हैं कि 100 ग्राम खीरे में 15 कैलोरी होती है। इसमें पानी की भरपूर मात्रा मौजूद होती है। इसमें मौजूद कम कैलोरी और ज़्यादा पानी की वजह से खीरा आपके वज़न को कम करने में मदद करता है, इसलिए खीरे को अपने भोजन में शामिल करें। सुनिए, ये 5 ऐसे टिप्स हैं जिसे फॉलो करके आप अपना वज़न को कम कर सकती हैं।